हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, 11th में एपी का सेक्शन खत्म हो गया था। एक क्वेश्चन रह रहा था, वह क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है? उस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, हमने क्वेश्चन को ले गलत तरीके से लिया था बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है? क्या दिक्कत थी, चलो बताते हैं। उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार शुरू करते हैं, ठीक है? फिर आज जीपी भी आज ही शुरू करवा दूंगा मैं। ये देखिए बच्चों, 9 चैप्टर, 9 चैप्टर। चलिए, 9th क्वेश्चन, 9th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया बिटवीन 1 to 31 द गिवन एपी, द गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी इज। हाँ भाई, आपको जो एपी दी गई है वो दिया गया है 1, और इसके बीच में बच्चों आपके पास एम टर्म्स हैं। एम टर्म्स है मतलब A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश, AM, और यहाँ लास्ट में क्या है बच्चों, 31। लास्ट में क्या है, 31, ठीक है? यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपको दिया हुआ है 1, और कॉमन और लास्ट टर्म ऑफ एपी आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको 31, ठीक है जी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी दी हुई है आपको बच्चों? देखो, एम तो है ही, एक ये एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एम प्लस टू। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि भाई इस तरीके से रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आया, तो जो 7th टर्म है इनके बीच का और mth टर्म है इनके बीच का, उसका रेशो, ठीक है, उसका रेशो 5:9 है। तो बताओ m की वैल्यू क्या है? देखो बच्चों, समझना बात को। कह रहा है जो ये रिजल्टिंग एपी है, ये वाली जो एपी है, वो बीच में जो है, मतलब 1 और 31 तो दिया हुआ है, और बीच में जो एपी है, कह रहा उसका 7th टर्म और इसी का m-1 टर्म भाई क्या है, इसी का m-1 टर्म क्या है भाई, उनका रेशो 5:9 है, ठीक है जी? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना बच्चों। नाउ, असल में जो यहां पे बड़ा वाला A1 है, ये असल में क्या है, A2 यानी सेकंड टर्म। ये जो बड़ा वाला A2 है असल में क्या है, A3 मतलब थर्ड टर्म। ये जो A3 असल में बड़ा वाला A3, ये असल में क्या है, A4, क्यों, फोर्थ टर्म, ठीक है? सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7th टर्म A7 और m-1th टर्म, यही बोला ना उसने, 7th टर्म और m-1th टर्म, ठीक है, इनका रेशो इसने बोला है 5:9, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बताया, जो A1 है असल में वो सेकंड टर्म है, जो A2 है वो असल में थर्ड टर्म है, A3 यानी फोर्थ टर्म है, मतलब जितने नंबर का ये टर्म है वो नहीं, जितना नंबर ये लिखा हुआ है उतने से एक ज्यादा नंबर का ये टर्म है। तो अगर ये A7 है तो क्या ये 8th टर्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये am-1 है तो क्या ये mth टर्म नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। मतलब जितने नंबर का ये दिखा रखा है यहाँ पे सीक्वेंस, उससे एक ज्यादा नंबर का टर्म है। क्यों? क्योंकि भाई पहला टर्म तो ये है ना, असल में हमने लिखा इसे A1 है लेकिन टर्म कौन सा है, सेकंड। असल में लिखा इसे हमने A2 है, कैपिटल A2, लेकिन है कौन सा, थर्ड टर्म। तो इसी तरह A अगर 7 है तो A8 बन गया, am-1 है तो am बन गया। ओपन कीजिए, a+7d और a+m-1d, 5:9। ए की वैल्यू कितनी है, 1, 1+7d, 1+m-1d, 5:9। 9 को इससे मल्टीप्लाई, 9 1+7d, 5 1+m-1d, 9+7 9 63d, 5+5m-1d, ठीक है? क्या करोगे, उठा के इस तरफ ले आओ, ये 5 को उठा के इस तरफ ले आओ, हाँ, मतलब इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर करो जरा, हाँ जी, 63d माइनस 5m-1d बराबर 5-9। तो क्या हो जाएगा, d कॉमन ले लो, 63 माइनस 5m माइनस माइनस प्लस का 5 बराबर -4, d 63 68 माइनस 5m बराबर -4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -4 68 -5m, ये दिया हुआ है, ठीक है? अब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देख लो भाई जरा। हाँ जी, ठीक है,
अब डी की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, नाउ। हां जी नाउ, अब क्या भाई ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कि भाई लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 31, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एम प्लस टू बराबर 31। क्यों एम प्लस टू, क्योंकि एम तो ये है ही और एक दो टर्म ये, तो ए प्लस एम प्लस टू माइनस वन डी बराबर 31, ए की वैल्यू 1, एम प्लस 1 डी बराबर 31, और बच्चों ये उधर जाके माइनस एम प्लस 1 डी, 31 में से एक गया 30, तो डी की वैल्यू यहां पर आ रहा है 30 बटा एम प्लस 1, कितने आ रही है 30 प्लस एम प्लस 1, ठीक है। अब ये भी डी है, ये भी डी है, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, लिख दो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर दो बच्चों, तो माइनस 4 68 माइनस 5 एम 30 अपॉन में एम प्लस 1, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है करो, ये काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 और ये 15 करो, एम प्लस 1 15 से कर दो, 68 माइनस 5 एम, माइनस का एम माइनस का 1, 15 को 68 से करो, 15 अट्ठे 120 का 0 रह गया 12, 15 सिक्के 90 और 12, 90 और 12 102, ठीक है माइनस 15 पंजे 75 एम, ठीक है 75 एम इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का, और ये इधर माइनस का उधर जाके कितने का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 74 एम बराबर 1021, 74 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आके क्या करेगा डिवाइड, ठीक है इस तरीके से, पंद्रह 120 जीरो रह गया 12, 15 छक्के 90 और 102, 15 75, ठीक है ठीक है, काटना भाई जरा, किससे कटेगा ये करके देखें जरा, 74 एकम 74, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छा 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 गड़बड़ ये हो रही है बच्चों, एक मिनट सॉरी, एक गड़बड़ ये हो रही है, यहीं से गड़बड़ है, पहले उस टर्म को लिखना चाहिए था, फिर इसमें पुट करना चाहिए था, फिर होता ये, चलो हाँ जी, तो पहले तो ये निकाल लो, नाउ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या हो गया आपका 31, ठीक है, तो ए एम प्लस टू 31, ए प्लस में एम प्लस टू माइनस वन डी 31, ये 1, एम प्लस 1 डी 31, और ये प्लस का 1 वहां जाके हो गया माइनस का 1, और ये हो गया 30, डी की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में एम प्लस 1। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है ए सेवन अपॉन में ए एम माइनस वन 5:9 है, ठीक है 5:9 है, तो ये ए 8 बनेगा, ये ए एम बनेगा 5/9, ठीक है इसको खोलोगे तो बनेगा ए प्लस में 7d और ए प्लस में एम माइनस 1d बराबर 5/9, 9 को इससे करेंगे 9a 63d, ठीक है इससे करेंगे 5a 5m-1d, ठीक है तो ये बन गया 9a+63d, कितना बन गया d बन गया 30 अपॉन में m प्लस 1 बराबर 5, a कितना बन गया 1, 5m-1d कितना बन गया 30 अपॉन में m प्लस 1, ठीक है इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है भाई,
तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे अगर तो क्या बन जाएगा, ये 9 प्लस, हाँ भाई 3 3 9 और 3 6 18 0, एम प्लस 1 ये आएगा 5, ये अंदर आएगा 5m-5 30m+1 तो आएगा 9 प्लस में 1890 बटा एम प्लस 1 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 30 को करेंगे तो कितना जाएगा, 3 5 15 150m बटा एम प्लस 1 और ये आ जाएगा 150m+1 ठीक है। ये माइनस की चीज उठ के इस तरफ आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी भाई 1890 एम प्लस 1 प्लस 150/m एम प्लस 1 और ये 5 प्लस में 150m एम प्लस 1 और ये प्लस करो इधर आके माइनस का, भाई नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाले भी सेम ही होते हैं पता ही है, और ये हो जाएगा 150m एम प्लस 1 माइनस 9 में से 5 गए 4 बटा 1 भाई ऐड करो 0 9 और 5 14 4 1 8 और 9 कितने होते हैं, सॉरी 8 और 1 कितना होता है 9 और 1 10 और ये 1 2 एम प्लस 1 इसको सॉल्व करो 150m माइनस 4m माइनस 4 और ये नीचे एम प्लस 1, एम प्लस 1 से एम प्लस 1 गया 2040, 150m से 4 से गया 146m माइनस 4, माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा 146m, हाँ भाई तो ये आएगा 2044, 146m ये 146 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा ठीक है। अब काटोगे तो 1 टाइम 4 टाइम यानी m की वैल्यू आ जाएगी 14, कीजिए अब सही है बिल्कुल करो। चलिए नोट हो गया, चलिए अब हम करेंगे स्टार्ट जीपी, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है चलिए अब क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जीपी बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जीपी में क्या करते हैं, अब तक जो आप एपी में आप क्या कर रहे थे, सबके बीच का गैप सेम था, लेकिन बच्चों जीपी में ना इनका रेशो सेम होता है, ए ए आर, ए आर की स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की 4 और ए आर की पावर एन माइनस 1 ऐसे होता है। मतलब अभी भी इसका फर्स्ट टर्म तो बच्चों वही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो अभी भी वही रहेगा ए, और अगर अब की बार कॉमन डिफरेंस नहीं होता, अब की बार आएगा कॉमन रेशो और ये होता है वही ए टू अपॉन में ए वन वैसे निकलता है, मतलब ए एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन, सॉरी ए एन माइनस वन इस तरीके से निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक जीपी ले लिया आपके सामने 2 4 8 16 ठीक है और 32 ऐसे, तो भाई इसके जीपी, अब ये जीपी है कि नहीं चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं बच्चों, कैसे चेक करेंगे ध्यान से देखिए। हाँ जी जीपी चेक कीजिए भाई, फर्स्ट टर्म तो आपका वही है ए टू, कॉमन रेशो इससे पता चलेगा कि भाई आपका जो ये टर्म दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, वो जीपी है कि नहीं। तो भाई आप जीपी चेक करने के लिए निकालेंगे पहले आर वन, आर वन कैसे निकलता है ए टू अपॉन में ए वन, ए टू कितना 4/2 काटो 2 आ गया, हाँ जी R1 आ गया। अब निकालो नाउ R2, अब R2 चेक करो तो ये कैसे निकलेगा R3 अपॉन में A2, तो A3 कितना 8/4 काट दिया कितना आ गया भाई 2, तो यानी R1 और R2 दोनों सेम आ गए, दोनों क्या आ गए सेम,
जैसे वहां पे पहले डिफरेंस सेम आ रहा था, किसमें, एपी में डिफरेंस सेम आ रहा था तो एपी कह देते थे, लेकिन अब की बार अगर रेशो सेम आ जाता है, यानी आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है, तो बच्चों क्या होगा, तो उस केस में बच्चों आप यह रखना जीपी कहेंगे। सभी बच्चों को क्लियर होगी ना ये बात कि भाई अगर रेशो सेम आ जाए तो वो जीपी है, डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एपी है। ठीक है, तो इस तरीके से एपी बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये सारा का सारा टर्म कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशो हो गया, जीपी हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशो हो गया, ये सारे टर्म हो गए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ आगे। क्या अब आता है इसमें सम ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ जीपी। हाँ जी, तो क्या है सम ऑफ जीपी बच्चों, देखो जैसे कि आपको पता है जीपी में अगर हम सम करेंगे तो क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डेडेडेस ar की पावर n माइनस 1। मींस कहने का मतलब ये है भाई आप a प्लस ar प्लस ar की स्क्वायर प्लस ar की क्यूब प्लस डॉट 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 ar की पावर n, यानी कि an ar की पावर n माइनस 1, कुछ इस तरीके से इसको ऐड करना चाहते हैं। और जब भी इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कंडीशन किसकी चलती है, रेशो की चलती है, और इस वजह से यहाँ पे सम के दो फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, वहां एपी में भी दो फॉर्मूले थे लेकिन किसी को भी लगा दो काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर आप कभी ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे एक फॉर्मूला है क्या कि जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, और एक फॉर्मूला है जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, तब लगाना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो एसएन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, और अगर 1 से बड़ी हो माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, अगर 1 से छोटी है तो 1 में से माइनस करेंगे आर से, और 1 से बड़ी है तो भाई आर में से 1 माइनस करेंगे। समझ में आ रही बात, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके कुछ और पॉइंट्स बताता हूं आपको। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। जीपी ठीक है, इजी भी बहुत है। हाँ इजी मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना पावर वगैरह की, अगर पावर वगैरह की बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि भाई आपको ना 10th टर्म और nth टर्म निकालना है अगर जीपी ये है 5, 25, 125। आपसे बोला गया है 10th टर्म और जी ए 10, जैसे एपी में होता था, एपी में होता था ए 10 तो आप लिखते थे ए प्लस में 9d, ऐसे ही था ना। लेकिन जब जीपी में होगा ना बच्चों तो पता क्या लिखना है, ए आर की पावर 10 माइनस 1 मतलब 9। ए आर की पावर कितनी लिखनी है, 9, बस इतना सा लिखना है आपको, खत्म कहानी। ठीक है, तो ए बताओ कितना बच्चों, पहले तो देखो, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी
जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, पांच यानी ए। कॉमन रेशो ऑफ जीपी यानी आर कैसे निकलेगा, ए टू अपॉन में ए वन, 25/5 काट दिया भैया कितना आ गया 5। अब निकालो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंथ टर्म, और टेंथ टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 9, ए भी 5, आर भी 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 9, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10। अब आता है nth टर्म, ए आर की पावर n माइनस 1, ए कितना है 5, आर कितना है 5, n माइनस 1 ये बेस, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 5 की पावर n। पल्ले पड़ गई बात, ये है सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, जैसे ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा बच्चों, कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है आपको एक जीपी दे रखी है, क्या दी जीपी, 2, 8, 32 ... और कह रहा है कि बताओ कौन से नंबर के टर्म पे, कौन से नंबर के टर्म पे 1, 3, 1, 0, 7, 2 आएगा, यानी असल में ही आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म, कह रहा बताओ कहां पे ये टर्म आएगा अगर ये जीपी है तो, ठीक है जी। सबसे पहले ए एन यानी सबसे पहले फर्स्ट टर्म, हाँ भाई कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितना दिया गया है, आर ए टू अपॉन ए वन, 8/2 कट गया 4, और लास्ट 1,31,072, ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन, और ए एन को खोलोगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन, ए कितना 2, आर कितना 4, 13, 10, 72। अब बच्चों एक बात बताओ, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब बच्चों अगर इसकी पावर को बाहर निकाल दूं तो ये तो n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये बन जाएगा 2 की पावर 1, और ये बन जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है जब दो मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, ये बन गया 2 की पावर 2n माइनस 1, क्योंकि दो में से एक जाएगा। अब इसको, इसको भी ना देखो, जब ये 2 आ गया तो इसको भी 2 के टर्म में चेंज करो, चलो करके देखते हैं, फैक्टर बनाओ, क्या है 1,31,072, करो भाई जरा, 2 से करना 6, 5, 5, 3, 6, फिर 2 से करे 3, 4, 2, 7, 6, 8, फिर करो 1, 6, 3, 8, 4, फिर 2 से करो, फिर कितना हो जाएगा 8, 1, 9, 2, फिर 4, 0, 9, 6, 2, 0, 4, 8, फिर 2 से करो कितना आएगा 5, 1, 2, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो 1, 2, 8, फिर 2 से करो 6, 4, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1। हाँ भाई, तो ये हो गया 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, भाई ये 2 की पावर कितना आ गया 17। अब आपको पता है जब बीच में बराबर लगा हो, बेस सेम होता है, तो पावर भी क्या हो जाती है सेम, माइनस का 1 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, 17 और 1 18, 2 से काट दो तो 18/2 कट गया 9। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी 9th टर्म पर ये आपका इस जीपी में आ जाएगा। देख लो इस तरीके से करते हैं सॉल्व, नोट करो बच्चों,
चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 भाई क्या है कि कह रहा है जीपी का थर्ड टर्म 24 है, जीपी का थर्ड टर्म 24 है, सिक्स्थ टर्म 192 है, तो बताओ टेंथ टर्म क्या है। तो लो जी लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन रेशो इज कितना है आर। नाउ हाँ जी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपको दे रखा है 24, यानी A3 24, यानी ए आर की स्क्वायर 24, इक्वेशन फर्स्ट। और कह रहा है सिक्स 192, इट मीन्स A6 192, 192, ये हो गया सेकेंड। अब सेकेंड उठाओ, ए आर की 5 192। अच्छा बच्चो ए आर की पावर 192 है, अभी बताओ अगर, यानी इसको अगर मैं लिखूं ए आर की स्क्वायर डॉट आर की क्यूब, किताब इसकी तरह लग रहा देखने में, जरा देखना भाई आर की 5 को अगर मैं 2 और 3 में तोड़ दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी। तो ए आर का स्क्वायर किसकी तरह लग रहा है, 24 की तरह, तो क्या मैं इसकी जगह पे 24 पुट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। 192, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, काटो भाई किससे, 8 से 8 16, 8 चौक 12 बराबर 8, और भाई आर का क्यूब 2 किसका, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब से क्यूब कट गया, तो बस R की वैल्यू क्या हो गई 2, R की वैल्यू क्या आ गई 2। अब R 2 आ गया तो A भी आ जाएगा, कैसे, पुट R इन इक्वेशन फर्स्ट, उसकी छोटी इसलिए रख रहा हूं। तो भाई R कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड काटेगा 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब कह रहा फाइंड द टेंथ टर्म, टेंथ टर्म, और टेंथ टर्म क्या होता है A10, और A10 क्या होता है ए आर की पावर 9, तो A कितना है 6, R कितना है 2 की पावर 9, तो 6 इंटू में 512 मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का 2 रह गया 1, 6 कम 6 और 1 7 30, 3072 करो। इसी तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं, फिफ्थ, सेवन एट नाइन टेन, बच्चों 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं तो कराऊंगा ही, इसे नोट कर लो आराम से पहले। चलो देखेंगे कौन सा भाई, सिक्स्थ, फिर नेक्स्ट क्लास में सम वगैरह के क्वेश्चन। हाँ जी सिक्स क्वेश्चन है,
और माइनस का 7/2। खैर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अगर जीपी में कभी सिर्फ तीन टर्म दी गई हो, ए बी और सी, ठीक है, क्या दिया गया हो, तीन टर्म दिया गया हो ए बी और सी, तो बच्चों याद रखना आप हमेशा कि ये मैंने आपको क्या बताया कि भाई इनके बीच का रेशो बराबर होता है। तो यानी कि ए टू अपॉन में ए वन बराबर होगा ए थ्री अपॉन में ए टू के। अगर सिर्फ तीन टर्म दियो तब का केस बता रहा हूं। तो ए टू कितना है बी, ए वन कितना ए, ए थ्री कितना सी, ए टू कितना बी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो जब भी तीन टर्म दिए गए हो तो आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई बराबर रखना है बीच वाले के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पल्ले पड़ रही ना बात? बस इसी तरीके से यहां पे देखो, ये भी एक जीपी है, जब जीपी है तो क्या करोगे, हाँ भाई पहले वाले को ए वन को ए थ्री से मल्टीप्लाई और ए टू वाले का स्क्वायर। तो ए वन है माइनस 2/7, ए थ्री है माइनस 7/2, ए टू है एक्स का स्क्वायर, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। तो अपने आप में 1 का स्क्वायर कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक, तो अभी मैंने सिर्फ जीपी शुरू करवा दी है, अब मैं आप लोगों को बच्चों सम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्लास से शुरू करवाऊंगा और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों अभी बीच में शायद हो सकता है मेरा अभी एग्जाम की डेट आने वाली है, तो अगर अभी एक दो क्लास मिस होंगी तो टेंशन मत लेना, उनको रिकवर बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है, एक दो दिन का एग्जाम है तो मैं भी जल्दी जल्दी कवर करूंगा और आप भी करेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर की वीडियो नहीं आ रही, वीडियो लगातार आती रहेगी। ठीक है, हम उसको धीरे धीरे रिकवर करते चले जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।